वेलकम टू ड्रीम केबीसी चिक्के। आज इस वीडियो के अंदर उत्तराखंड जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा, बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम दूंगा। अगर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के उच्च न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रमेश रंगनाथन, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायाधीश के उच्च न्यायालय न्यायाधीश है वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नारायण दत्त तिवारी, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और चुटनी द्वारा चुटे गए प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड राज्य का प्रथम वर्णन किस वेद में है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऋग्वेद में, उत्तराखंड राज्य का वर्णन ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है किस खिलाड़ी को? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मधुमिता बिष्ट को, उत्तराखंड की खिलाड़ी है उनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मसूरी, मसूरी को क्वीन ऑफ माउंटेन कहा जाता है और क्वीन ऑफ हिल्स ऊटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में कौन सा शहर लीची नगर नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का उत्तर है देहरादून, लीची नगर के से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है वानस्पतिक बगीचा, तो यहाँ पे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती है उत्तराखंड में, इसलिए इसे वानस्पतिक बगीचा कहा गया है चरक संहिता में उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उत्तरकाशी जिला सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 7 पर्वतों से घिरी हुई है हेमकुंड झील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नैनीताल, उत्तराखंड में झीलों का नगर नैनीताल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के अंतिम शासक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर प्रद्युम्न शाह, उत्तराखंड के अंतिम शासक थे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला क्षेत्रफल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क है भारत का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1935 में कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है टिहरी बांध, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टिहरी बांध किन नदियों से के संगम पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भागीरथी और पिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन से वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बांस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड की राजधानी कौन सा शहर है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 27, बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चमोली जिले में बद्रीनाथ स्थित है, पवित्र तीर्थ स्थान है, थाने। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म कमल कौन से देवताओं को चढ़ाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भगवान शिव को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में है उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 30, बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं, तो किस नदी के तट पर स्थित है? भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है ये। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अलकनंदा मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी पर स्थित है के तट पर। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थस्थल ऋषिकेश उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन का सही उत्तर है देहरादून जिले में ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऋषिकेश में स्थित है, जो देहरादून जिले में है। तो यहाँ पे भगवान शिव ने जो हलाहल जी विष निकला था समुद्र बंधन से, वो विष पिया था, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया था, उसके इसलिए भगवान शिव नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लक्ष्मण झूला किस नदी पर बना झूला है?
सिचुएशन का सही उत्तर है गंगा नदी पर बना झूला है, लक्ष्मण झूला, बहुत हिंदू धर्म का ये तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड में शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जोशी मठ में स्थित है उत्तराखंड में शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रुड़की उत्तराखंड में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिन कौन सा है? तो कौन से दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी, स्थापना दिन है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हिंदी, हिंदी भाषा उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड का राजकीय फूल कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ब्रह्मा कमल, ब्रह्मा कमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, जोरा, रासलीला उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड की प्रमुख नदियां कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर गंगा, यमुना और अलकनंदा है, भागीरथी है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड की सीमाएं किन राज्यों से जुड़ी हुई है? तो उत्तराखंड राज्य के पड़ोसी राज्य कौन से है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य के पड़ोसी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है देहरादून, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड के प्रमुख कृषि उत्पादन कौन से है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तिलहन, दलहन और चाय उत्तराखंड के प्रमुख कृषि उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मसूरी, जो पहाड़ों की रानी है, रानीखेत, ऋषिकेश, भीमताल, सातताल, फूलों की घाटी, देहरादून और कौसानी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड के जिलों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 13, उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें कितनी है? क्वेश्चन का सही उत्तर है 5, उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें की संख्या 5 है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गंगा नदी, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों हमारा यह वीडियो यहाँ पे संपूर्ण होता है। आशा रखता हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा ना लगा हो तो आप बेफिक्र होकर अनलाइक बटन को दबा दीजिए और हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हमारी जो मिस्टेक हुई वो दोबारा रिपीट ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।